हाय एवरीवन, सम्राट उपाध्याय चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे अभी एक्टिंग ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और ये एक्टिंग ट्रेनिंग वीडियोस का सबसे लेटेस्ट सेशन है। और आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि आपको एक एक्टर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है। एक्टर जब तैयार करता है अपने आप पे, तो वो कैसे तैयारी करता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फिजिकल फिटनेस। एक एक्टर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसकी बॉडी जो है बहुत ही लचीली होनी चाहिए कि कोई भी उससे मिले टास्क को परफॉर्म कर सके इजीली। तो हमें बॉडी को सही रखने होंगे, और इसके लिए क्या करना होगा आपको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वार्म अप जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक्टर का बैकबोन है, उसके बिना आप एक बेहतर परफॉर्मर बनने की अगर चाहत रखते हैं तो बिना फिटनेस की संभव नहीं है वो। तो आपको चाहिए ही चाहिए कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, आपके बॉडी में वो लचीलापन नहीं है जो चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्ली इन द मॉर्निंग आपको वार्म अप करने पड़ेंगे। बहुत सारे एक्सरसाइज है, और मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको पहले बताया था, जैसे कि माउथ आइज का एक्सरसाइज, टंग का एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज और नेक का एक्सरसाइज बताया था मैंने आपको। आपको ये स्किपिंग करने हैं, वो रस्सी फाँदने वाला जो होता है उसको करने हैं। आपका बॉडी लेग्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, थाई स्ट्रांग होना चाहिए, हैंड स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका कंसंट्रेशन पावर, ऑब्जर्वेशन, ये सब भी बहुत कोरिलेट करता है आपके फिटनेस पे। जितना आप हेल्दी रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में भी और अपने क्षेत्र में भी, चाहे वो ड्रामा का फील्ड हो, चाहे वो फिल्म का डिपार्टमेंट हो, कोई भी। अगर आप एक्टर फिट है तो बहुत कुछ काम कर सकता है। तो फिटनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एक्टर। और ये आपको फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करने होंगे, डेली एक्सरसाइज करने होंगे, क्योंकि विदाउट एक्सरसाइज यू कैन इमेजिन ए परफेक्ट बॉडी। वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो आपको उस पर वर्कआउट करने हैं डेली। और जितना आप वर्कआउट करोगे उस पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसमें ग्रूमिंग दिखेगी आपको, और आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। और ये आप कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है कि अब आपने वन वीक किया उसके बाद आप गायब हो गए, ये भी नहीं करना है। आपको रेगुलर करने हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तुरंत मेरे कमेंट सेक्शन में आइए मेरे चैनल पे, आप उस पे आप लिखिए या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मेरे से जितना भी हो सकेगा आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बतौर गाइडेंस मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, जितना मुझे पता है, जितनी सारी चीज़ें मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों के साथ काम किया अभी तक। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक्टर ही अपने आप को तैयार करता है, कोई फिल्म स्कूल या ड्रामा स्कूल उसको तैयार नहीं करती, उसे रास्ता बताती है, लेकिन तैयारी जो है एक्टर की वो खुद होती है। सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है एक परफॉर्मर के लिए, चाहे वो कोई भी विधा हो, संगीत हो, नाट्य कला हो, कोई भी फील्ड हो। तो आपको इस ध्यान में रखना होंगे इन चीज़ों को। और एक्सरसाइज जो आप करेंगे उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो कोई भी एक्सरसाइज को आप बहुत ज़्यादा करें। आपको बॉडी फिट रखने के लिए स्टार्टिंग में पहले तो लो से स्टार्ट करना है, ताकि आप उस पर आपको प्रेशर ना पड़े। ऐसा नहीं कि लगातार 3 घंटे 4 घंटे एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो वो भी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस में आपका होना चाहिए। आप क्या खाते हैं उस पर भी बहुत बहुत मायने रखता है एक एक्टर के लिए। और डाइट आपका क्या है, चार्ट क्या है, और मतलब कितना मात्रा में आप कौन से डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम गेम अगर इंडस्ट्री में खेलना है, तो गेम कहने का मतलब है कि आपको अपनी पहचान बनानी है, तो सबसे पहले आपके बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। और जितना आप फिट रखेंगे उतना बेहतर दिन तक तो आप काम करते रहेंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, तो इसका ख्याल रखना है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक्टिंग मूड्स के बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, और उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जितने भी एक्टिंग मूड्स हैं वो सारी चीज़ को मैं डिस्क्रिप्ट करूँगा, ब्रीफ करूँगा, उसका बेनिफिट्स बताऊँगा, उसके स्कोप बताऊँगा। और एक बात जानो कि जो एक्टर इन सारी चीज़ों को वर्कआउट करता है ना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसकी ग्रूमिंग दिखती है उसमें। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि मतलब इसमें स्कोप होगा या नहीं होगा, या मैं सक्सेस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगी, सक्सेस करना ही है। एडिशन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं मोटिवेशन भी बात कर रहा हूँ, एडिशन 1000 times जो है वो बल्ब के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया, 1000 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने बल्ब को बना लिया। तो आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करोगे तो क्यों नहीं होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं है। तो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहें, आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। आप मैंने बताया था आपको बुक्स रीडिंग का, उसके बारे में आप बुक्स रीडिंग जो है आप रेगुलर करें। स्टार्टिंग में अभी लगातार 2-3 महीने तक लगातार बुक्स रीडिंग करें, थॉरली केवल पढ़ें। बिगनर्स हैं आप, पढ़ें। उसके बाद उसमें बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं मुझे, कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें अपना। और ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम, देखिए मैं आपसे ओपन बात करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी मेरे यूट्यूब से जुड़े लोग हैं मैं उनसे चीट नहीं करना चाहता, या रियल लाइफ में भी मैं बहुत ही परफेक्ट अपने काम को लेकर होता हूँ। तो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सेलफोन से वीडियो बना रहा हूँ, और खुद इसमें मैं सब कुछ करता हूँ। तो मेरे पास अभी उस टाइप के कैमरे नहीं है जिससे आपको क्वालिटी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दे पाऊँ। तो थोड़ी बड़ी